हाँ सूरत, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। कहाँ तक हुआ था बताइए। हाँ सूरत, कहाँ तक हुआ था बताइए। हाँ हेलो सांची, कैन यू हियर मी? सांची, मेरी आवाज आ रही है? सर। कहाँ तक हुआ था बताइए। लास्ट एग्जाम्पल आपने डाइथाइल प्रोपेन अमाइन का करवाया था। चलिए ठीक है, तो अमीन की नोमेनक्लेचर हो गई थी। अब हम थोड़ा सा मिक्सअप क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको खुद बताना है क्या नाम होगा। या पहले टॉपिक ही डाल लीजिए, उससे अच्छा है। नेमिंग ऑफ पंडिहाई एंड क्यूट। आपको मालूम है एंडिहाइड की नेमिंग में अल लगता है, मालूम है ना साइंटिस्ट? कोई बोल ही नहीं रहे एल्डिहाइड की नेमिंग में अल लगता है, अल याद है ना सबको? यस सर। हाँ, और बताइए, ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है कि इसका सफिक्स भी दो है और प्रीफिक्स भी दो है, हाँ या ना बताइए तो? यस सर। हाँ, प्रीफिक्स भी दो है, ऑक्सो एंड फॉर्माइल। जैसे आपके पास CH3CHO है, तो उसका नाम हो जाएगा आपके पास इथेनॉल। बहुत ही आसान, आपके पास CH3CH3CHO है, 1 2 3 2 2 5 2 5 3। अब तो कुछ है ही नहीं है, बस आपको प्रीफिक्स सफिक्स अच्छे से आना चाहिए, ठीक है? जब तीन या तीन से ज्यादा मेन चेन से कनेक्टेड होगा तो अब यहाँ पर अल नहीं लगेगा भाई, सेम बातें रिपीट होंगी। एक्सक्यूज मी सर, ये सर इसमें सफिक्स एल लगा है ना? अल ही तो है, अल यस सर। जब तीन या तीन से ज्यादा होगा तो आपको मालूम है ना, अल नहीं होगा, क्या बोलेंगे? प्रोपेन कार्बल्डिहाइड। प्रोपेन कार्बल्डिहाइड क्लियर है स्टूडेंट? सॉरी, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। सर कार्बन डिहाइड भी और ट्री
मतलब उसमें सारा लगेगा। तो बताया गया था ना तीन या तीन से ज्यादा मेन चेन से कनेक्टेड हो तो अल नहीं आएगा। इसके भी दो दो सफिक्स है ना, दो केसेस में अल का इस्तेमाल नहीं होता, याद है ना, ये तो लिखवा दिया था ना कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो रिपीट हो रहा है ना सब में। हेलो क्लियर, लिख लिया सारे लोग, बोलिए तो। हेलो इसका नाम सारे लोग बोले। तो ये ना क्या नाम हुआ? फोर नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन कार्बनडाइहाइड, तो ये हाँ या ना? यहाँ अल का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि साइक्लिक ग्रुप से कनेक्टेड है। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। वेरी गुड हरीश। रोशनी सिंह आपको आ रहा है ना समझ में? यस सर आ रहा है। सांची आपको समझ में आया? सांची, सूरत, आयुषी, हाँ। सांची क्यों नहीं बोल रहे, यहाँ आ रहा है ना? यस सर। चलिए इसका नाम सारे लोग लिख के दिखाइए। यहाँ पर कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? सर टू। मेन ग्रुप कौन है? सर COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, ये प्रीफिक्स हो जाएगा, यहाँ पर ये प्रीफिक्स होगा ना? यस सर। इसके प्रीफिक्स में फॉर्माइल का इस्तेमाल होता है और ऑक्सो का भी होता है, है ना? यस सर। हाँ, 1, 2, 3, 4। अब मैं फॉर्माइल ऑक्सो कब लगता है मैं उसका ट्रिक्स दे रहा हूँ। 4 फॉर्माइल ब्यूटेनोन के से पहले लिखिए, मैं आप एक पॉइंट लिखवा देता हूँ। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लें। नो सर। सर आपने कितना करा दिया? कितना करा दिया देखिए, साइंटिस्ट देखिए ना कहाँ रहते हैं। 7:15 में एंट्री ले लिया कीजिए आप लोग। हेलो 7:15 में हेलो, सुन रहा है ना?
बहुत लेट से आते हैं आप लोग। टाइमिंग में 7:30 लिखा रहता है इसलिए कंफ्यूज। 7:15 में आ गया आप। ओके सर। 7:15 में ज्वाइन कर। क्लियर सारे लोग? हाँ या ना? यस सर। चलिए मैं एक पॉइंट स्पेशल लिखवा रहा हूँ और से सुनो। इफ CHO is used as prefix, तो इसमें दो बातें याद रखिए। याद रखिए, जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज होता है, उसका कार्बन हम काउंट नहीं करते हैं, ये मैं आपको बता चुका। लेकिन CHO पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में CHO एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसके में दो प्रीफिक्स हैं। दो सफिक्स तो बहुत सारे हैं, दो प्रीफिक्स सिर्फ एल्डिहाइड के, ऑक्सो एंड फॉर्माइड। अगर कहीं पर CHO का प्रीफिक्स के फॉर्म में इस्तेमाल हुआ, और यहां देखिए कार्बन एटम ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, मंडे से हम गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर शुरू कर रहे हैं। सुना सारे लोग? हेलो। यस सर। 10 मिनट हम आप रफ में प्रैक्टिस कराऊंगा, या इसमें चार पांच पेज छोड़ देंगे, उसमें हर दिन 10 मिनट प्रैक्टिस होगी और गैस स्टेट्स ऑफ मैटर शुरू होगा। कार्बन एटम ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इज नॉट काउंटेड, अगर ऐसे काउंटेड होता ही नहीं है, कार्बन एटम ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप इज नॉट काउंटेड इन द मेन चेन। तो जब एल्डिहाइड का कार्बन एटम मेन चेन में काउंट ना हो, देन याद रखिएगा एल्डिहाइड के प्रीफिक्स में फॉर्माइल लगता है, फॉर्माइल इज यूज्ड एज प्रीफिक्स। सुना सारे लोग? यस सर। लेकिन कहीं कहीं पर कार्बन एटम, देखिए वही है, ये CHO प्रीफिक्स है, अब कार्बन एटम ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इज काउंटेड इन द मेन चेन, देन ऑक्सो। अगर कार्बन एटम काउंट कर लेंगे, जबकि प्रीफिक्स में कार्बन काउंट नहीं होता, लेकिन एल्डिहाइड तो ये है, एल्डिहाइड में कार्बन काउंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर काउंट हो गया प्रीफिक्स के फॉर्म में, देन ऑक्सो इज यूज्ड एज प्रीफिक्स। सुना सारे लोग? यस सर। या कार्बन काउंट नहीं हुआ, कार्बन ऐसे भी काउंट नहीं होता, लेकिन एल्डिहाइड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसका प्रीफिक्स भी दो है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ ये एल्डिहाइड है, सुने अच्छे से, CH2 है, CH2 है, COH। देखिए इधर प्लीज, मैं ये लिखता हूँ और मैंने ईस्टर वाला मैं एक करा चुका हूँ, देखो इधर सामने सारे CH2 है, CH2 है, फर्क समझिए दोनों। मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3, इसके कार्बन को काउंट नहीं करेंगे बिकॉज ये प्रीफिक्स है। सुना सारे लोग? हाँ या ना? स्टर ग्रुप। हेलो। अब यहाँ 1 2 3 4 यहाँ काउंट करेंगे, जबकि ये भी प्रीफिक्स है, काउंट किया इसलिए मेन चेन में काउंट किया, तो अब यहाँ पर बोलेंगे 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। और यहाँ काउंट नहीं हुआ, यहाँ काउंट नहीं होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 काउंट नहीं किया, यहाँ फॉर्माइल होगा। तो आपको देखना है कि कब इस्तेमाल होगा काउंटेड में, मेन चेन में, तो वहाँ ऑक्सो लगेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो फॉर्माइल लगेगा। चलिए ये लिख लिया था आप लोगों ने, जल्दी बताइए हाँ या ना। बोलिए हेलो एवरीवन।
अरे ये लिखा है कि नहीं लिखा ये तो कम से कम बोल सकते बोल दीजिए। यस सर। लक्ष्मीया हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ सांची सूरत सबको ये कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। भैया यस सर। यस सर। आप बताइए इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, जल्दी बताइए सारे लोग कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अर्पित बताएगा, अर्पित बहुत तेज है, अर्पित बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अर्पित अर्पित कैन यू हियर मी, अब ये सुनेगा ही नहीं अर्पित। यस सर। यस सर सुन रहा हूँ। हाँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें बताइए। हाँ सांची आप बताइए। एस्टर। सांची बताइए इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। एस्टर। एस्टर वेरी गुड, कितनी तेज हैं आप, इस्टर का ये होता है। चलिए रोशनी ही पढ़ने वाली है, बताइए रोशनी। सर कीटोन। या दिस इज करेक्ट आंसर। क्या पढ़ती हैं ये लोग भाई, सांची और ये अर्पित। अर्पित साइंटिस्ट। यस सर। ये एक हफ्ता 10 रोज पहले पढ़ाया गया ये टेबल। चलिए 1 2 3 इसका नाम होगा प्रोपेन टू ऑन, आज इसी को आपने कॉमन नेम में जानते हैं एसीटोन, नाम सुना होगा। बोलिए हाँ या ना। यस सर। CH3 CH2 CO, देखिए कीटोन में COR दोनों तरफ आर होता है, कंफ्यूज मत हुआ कीजिए। COR दिस इज कॉल्ड एस्टर, OR इसकी समझा कि नहीं, ये है कीटोन में CO उसके दोनों तरफ आर होता है। अब इसका नाम 1 2 3 1 2 3 आर तक किसी तरफ से करा दीजिए। 4 5 पेंटेन 3 ON ऑन लगा के, इसे इतना आसान सब है। मैं वही कह रहा फंक्शनल ग्रुप पहचानना सीखें, जो नहीं पहचानेंगे उनकी प्रॉब्लम तो होगी। ये सारे लोग yes,
अब देखिए सारे लोग बताइए इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। सर तीन है सर, तीन है मतलब दो सेम है और एक अलग है। दो सेम है, अच्छा यानी कौन कौन, सॉरी सर तीन है सर। हाँ तीन तीन है, कौन कौन है सर? ईस्टर कीटोन और हैलोजन। कौन कौन है फिर से? ईस्टर सर, ईस्टर कीटोन और हैलोजन। सब टकरा लीजिए आप दीवार से। This is called aldehyde, COH है, aldehyde है ये। Sorry sir. चना खाइए without मसाला चना। अब BR को functional group नहीं कहते हैं, substituent है ये। दो ही functional group हैं, BR is the substituent group। आप बताएं aldehyde और ketone में priority aldehyde को देते हैं। अब five पे है ketone का भी oxo ही होता है prefix में। पहले अल्फाबेटिकली थ्री ब्रोमो, ये लाख हम प्रैक्टिस करा दें कोई होने को नहीं जब तक फंक्शनल ग्रुप ना पहचाने। थ्री ब्रोमो फाइव ऑक्सो, अरे बताओ ना अर्पित समझ में आ रहा है? पेंटेनल, ये सर आ रहा है पेंटेन। हाँ ये तो है कि आपको आता तो बहुत है समझ, आप बहुत तेज हैं अर्पित। भले आपको आता है लेकिन भले आंसर ना दें समझ में तो बहुत अच्छे से आता है ना अर्पित। थैंक यू। यही चीज मैंने 10 रोज पहले बताई थी, टेबल पर हर दिन देख के आया कीजिए, कोई बहाना नहीं। हमारा यूनिट टेस्ट है, 10 मिनट टेबल सामने, टेबल आदमी रख के पढ़ेगा। लिया तो बताइए। यस सर लीजिए। लिख लिया? यस सर। इसके बाद हम बेंजीन नया टॉपिक पर आएंगे, बेंजीन का आइसोस नेमिंग ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। देखिए साइनाइड CN होता है, प्रीफिक्स में साइनो लगाते हैं, सफिक्स में नाइट्राइल लगाते हैं या कार्बोनाइट्राइल होता है। बताइए टेबल खोल के देखिए क्या मैंने सही लिखा है या नहीं साइनाइड में। यस सर। सिन्हा देख रही है ना आप? यस सर देख रही हूँ। एक दो कार्बन इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल बहुत आसान है, कुछ नहीं है भाई। फंक्शनल ग्रुप टीचर का लोग सुनते नहीं है ना, टीचर की बात को समझते हैं इसलिए सर बोल रहे हैं। क्यों रोशनी सही कह रहा हूँ ना? नहीं सर। यहाँ देखें 1 2 3 4 जो है सांची तो एक जरा नहीं आजकल पढ़ रही है, सांची एक जरा नहीं पढ़ रही है। टू मिथाइल और ब्यूटेन नाइट्राइड, और अर्पित तो बहुत थिंकर है ये तो भाई साहब, बस पढ़ने की देरी है। 10 सेकंड में पूरा रफ्तार 10^8 मीटर/s की रफ्तार से पढ़ेंगे तो एक दिन में पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। लिख लिया सारे लोग? हाँ आना सर से बताइए समझ में आ रहा है सबको? बोल। हाँ सूरज, सांची, किसी को कोई डाउट है इसमें? आयुषी, टू मिथाइल के टू मिथाइल, यहाँ देखिए ये मेन चेन में कहाँ है? 1 2 3 4 1 2 3 मेन चेन जहाँ कार्बन है वहीं से रिमेनिंग की शुरुआत हुई है ना, बोलिए।
Yes, sir. Sir, written. Written. Surat, written? Yes, sir. इसका नाम आप सारे लोग आराम से बताइए। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? ये है 1 2 3 4 5 6। तो 5 क्लोरो तो बोल देंगे, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। अच्छा, 6 कार्बन है और हेक्स 3 in 1 nitrile, यानी हेक्सीन नाइट्राइल है। अगर कोई नंबर ना कह दे तो सिंपल है, हेक्सेन नाइट्राइल है, नहीं है, डबल बॉन्ड कहते हैं हेक्सीन नाइट्राइल। हेक्सीन नाइट्राइल वन लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड 3 पड़े तो वो लिखने की जरूरत तो है। 5 क्लोरो हेक्स 3 इन नाइट्राइल, 3 इन नाइट्राइल, 1 पर हमने आपको ऐसे बताया। बोले आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर, यही बेचारी तो पढ़ती हैं, बाकी लोग तो एकदम चुप रहते हैं, रसगुल्ला खाते हैं कि काला जामुन खाते हैं, क्या खाते हैं। यस सर। हाँ, अब तुम बोलोगे ही, जब भी बोलते हैं काला जामुन तब तुम बोलने लगते हो, अजीब मामला यार। हाँ यस सर, ये जरा रिस्पांस नहीं देते हैं ये लोग। चलो इसका नाम सारे लोग बताओ, और अर्पित तुम सबसे पहले बताओ, चूंकि तुम बहुत तेज स्टूडेंट है, सुनने में आया है मुझे, किसी ने बताया कि तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, जल्दी बताओ। सूरज, सब लोग मुझे व्हाट्स मैसेज करें, सूरज, सांची, रोशनी, कशिश तो तेज स्टूडेंट है ही हैं। तो कशिश, मंडे से क्लास मिस मत कीजिएगा, नया चैप्टर शुरू हो रहा, कोई पीछे का कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ मोल होना चाहिए। ओके, बाकी फिर आप। हाँ बोलिए, सांची बोलेंगी, सांची आप बताइए व्हाट, क्या नाम है इसका? सर, इसमें प्रीफिक्स यूज करना है ना? अब हमको क्या मालूम, हमको नहीं मालूम है, आप बताइए ना, हम क्यों बताएं आपको, आपसे तो इसलिए तो पूछा है। आप लोग तो हिंदुस्तान की सबसे तेज बैच है ये, हमको लगता है हिंदुस्तान में सबसे अच्छा बैच है ये मेरा, 5-6 स्टूडेंट है, ये सबसे तेज स्टूडेंट है, थिंकर स्टूडेंट में आते हो, वेरी गुड। एक का आंसर आ गया भाई, देखें। अर्पित इतना जबरदस्त साइंटिफिक स्टूडेंट है, अर्पित मैं क्या बताऊं अर्पित यार। हाँ बताइए सांची, जल्दी बताइए क्या कर रही हैं आप। सूरत, सूरत, कैन यू हेयर मी? यस सर। इसमें करना क्या था भाई, इसका मेन कार्बन एटम यूज नहीं होगा। कौन सा बताओ ऐसे, मेरा चैट पता नहीं। हाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए आप। थ्री सायानो। गलत, नो नो, पहले गलत भाई, जब 3 या 3 से ज्यादा मेन चेन में कनेक्टेड होता है तो उसके कार्बन को काउंट नहीं करते हैं, कितनी दफा पढ़ा दिया गया है। अरे बोलें, ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बोनाइट्राइड, 2 केसेस में नाइट्राइल नहीं आएगा कार्बोल, ये तो मैं
बोल बोल के थक चुका हूँ, कार्बल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलेट सब। अरे बोले ना। यस सर। जहां पर नाइट्राइल नहीं लगेगा, ये रूल वही है जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में सिखाया गया था भाई ना। पढ़े नहीं पढ़ेंगे तो यही गलत फलत जो मन में आएगा, जैसे अर्पित हैं सब लोग, कुछ लोग कह रहे अब तक हम कर ही रहे हैं। अरे इसमें नॉमेनक्लेचर में कोई मैथ है क्या? सिंपल, घर पे हर दिन पर ये 1 2 3। मैंने नहीं कहा था व्हेन तीन या तीन से ज्यादा मेंटेन से कनेक्टेड हो, उसके कार्बन को कांड नहीं करते, या ओइक एसिड नहीं लगेगा, जिस कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा। एक केस ये था जब साइक्लिक रिंग से कनेक्टेड हो तो ओइक एसिड नहीं लगेगा। यही केस पिछले 2-3 क्लास से रिपीट हो रहा है। जिस प्रायोरिटी टेबल में जिसके भी दो दो फंक्शनल ग्रुप हैं, कार्ब जिसमें लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलेट, हर जगह ये चीजें हैं। अरे बोलिए हाँ या ना, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। सांची सूरत हाँ, एक जरा नहीं आप लोग पढ़ती हैं भाई, एक जरा नहीं पढ़ती हैं आप लोग। नीट का ख्वाब है, डॉक्टर बनना ख्वाब है, ऐसे डॉक्टर लोग बनते हैं। अरे देते ही इतनी दफा ये आया है कि देखते ही आंसर देना चाहिए। सियानो कोई बोल रहे हैं, एक स्टूडेंट ने लिखा, नाम नहीं बोलूंगा मैं नाम रास में रख रहा हूँ, NDTV रविश कुमार। 1 2 4 ट्राई ब्यूटेन नाइट्राइट, नाइट्राइट है, मैं नाम नहीं बोल रहा, इशारा काफी है। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? यस सर। ओफ ओफ, क्या आदमी पढ़ाएगा नीट लेवल के लोगों को भाई, सिंपल नेम सब नहीं आते हैं। अच्छा देखिए फिर, जब ये आप बताइए आप लोग, जब साइनाइड ग्रुप साइक्लिक रिंग से भी आएगा यहाँ पर भी नाइट्राइल नहीं लगेगा, साइक्लोहेक्सेन, यही चीज कार्बोनाइड्रेट 6-7 दफा बोला गया है नाइट्राइल। जो रूल कार्बोक्सिलिक एसिड में, वही हर उस जगह लगेगा जहां दो दो सफिक्स हैं, तीन या तीन से ज्यादा मेन चेन से कनेक्टेड हो, नंबर वन, तो मेन सब ओइक एसिड या एल्डिहाइड में अल या इस्टर में ओ एक, ये सब, या नाइट्राइल में नाइट्राइल, साइनाइड में नाइट्राइल, ये सब नहीं लगेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनाइट्राइल, ये सब लगेगा। दूसरा रूल ये है कि जब यही फंक्शनल ग्रुप किसी साइक्लिक रिंग या बेंजीन रिंग से कनेक्टेड हो, उसके कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पर भी कार्बोनाइट्राइल। कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या कहते हैं इसको, एल्डिहाइड होता तो कार्बल्डिहाइड, और यही सब तो मेन नेम है, तो सब पढ़ देंगे आल वाला, वो तो आना चाहिए ही, ये भी सब आना चाहिए। क्लियर है सबको समझ में? अच्छे से आया, डाउट क्लियर हुआ? सर। रोशनी सिन्हा के अलावा और किसी को डाउट क्लियर है कि नहीं हुआ? बेबी हो गया माशाल्लाह। अर्पित का तो हो गया, और सांची का हुआ? Yes. सूरत का हुआ? इसका नाम आप सब लोग बताएंगे। देखना है जोर कितना बाजुए खातिल में है, पर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए खातिल में है। जल्दी बनाएं। तो बता देगा तो समझ जाएंगी ये बैच नीट के लायक है, वरना मैं मैनेजमेंट में पांचों की रिपोर्ट लिख दूंगा, कोई भी नहीं है, सबको आप 11th स्कूल लेवल ही पढ़ाइए। सेल्फ स्टडी तो करते ही नहीं होंगे, मसला तो ये है ना, ऑनलाइन से तो पढ़ाई खराब हो गई है ना बच्चे लोगों की, पढ़ते ही नहीं है, यूट्यूबर बन गए हैं यूट्यूबर। आई हेट ऑनलाइन क्लास, एट का होल स्क्वायर। हाँ बताएं सांची, क्या नाम है इसका? सांची यस सर, भेज रहा हूँ। हाँ भेजिए भेजिए,
रोशनी सिन्हा आप क्यों चुप हैं? अच्छा आ गया, ओके। अच्छा उसकी नंबरिंग कौन करेगा प्रीफिक्स की, किस नंबर पर है वो? चलिए अर्पित मैसेज कीजिए, सूरत मैसेज कीजिए, कशिश साइंटिस्ट बहुत तेज हैं। ओ माय गॉड, साची तो एकदम साइंटिफिक स्टूडेंट है भाई। सूरत आप भी भेजिए कम से कम। आयुषी कैन यू हियर मी? ये साची आयुषी तो कुछ बोलती भी नहीं है, तो शुरू से मसला है इनके साथ। आयुषी आपको नोमेनक्लेचर कुछ समझ में आ रहा है? देखा होगा ना आप लेक्चर तो दो तीन छूटा हुआ आपका शायद। कशिश का तो ऐसे भी कुछ नहीं, उनका तो हर चैप्टर छूटा हुआ है बेचारी का, क्वांटम नंबर से एकदम डिस्टर्ब बनी हुई बेचारी। या सेकंड चैप्टर से ही कह लीजिए, सेकंड चैप्टर से ही बेचारी डिस्टर्ब बनी हुई है ना, डिस्टर्बे हैं वो बेचारी। देखिए इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं साची बताइए। अर्पित तुम बताओ, अर्पित हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप आर देयर? सर 2। ये कौन मेन फंक्शनल ग्रुप कौन लोगे इसमें तुम? सर कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी गुड, तो जब कार्बोक्सिलिक तो इसकी नंबरिंग 1 और 2। तो अब ये प्रीफिक्स होगा 2-cyano साइक्लोहेक्सेन, यहाँ तो ये मेन है ना, तभी तो आएगा ना नाइट्राइड। अब ये तो 2-cyano साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साची कैन यू हेयर मी, आया समझ में? साची दोबारा बता दीजिए। दोबारा बता देते हैं, ये तो वही नंबर 1-2 मेन फंक्शन, दो फंक्शनल ग्रुप है साची जल्दी बताएं। यस सर। तो मेन फंक्शनल ग्रुप ये है तो दूसरे पे ये आएगा ना। अब ये प्रीफिक्स है ना, अब ये कितनी दफा पढ़ेंगे आप? 20 दफा। ये प्रीफिक्स हो गया तो 2-cyano साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, 2-cyano। फर्स्ट वाले में वो प्रीफिक्स था। हाँ जोर से बोलिए सर। फर्स्ट वाले में जो भी साइक्लोहेक्सेन कार्बोन नाइट्राइल है उसमें वो सफिक्स की तरह तो अकेला है तो सफिक्स ही ना होगा। जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो प्रायोरिटी टेबल डिसाइड करता है कौन सफिक्स कौन प्रीफिक्स। ये अब तक आपको नहीं आया? अब तक आ गया सर। फिर यहाँ तो साइनाइड है ही है, जैसे CHO है तो मेन है, तो हम इसी के लिहाज से नाम बोलेंगे। हाँ इसके साथ ही आ जाए तो ये करेंगे। अरे सूरत को आया SURAT? सूरत यस सर। एसिड हैलाइड COX। देखिए इसके प्रीफिक्स में क्या लगाते हैं, जब ये प्रीफिक्स की तरह लगता है कार्बेनोइल हैलाइड है, देखो हाँ या ना। और सफिक्स में दो आता है, ऑयल हैलाइड जब सफिक्स होता है तो जनरली यही, लेकिन दो केसेस में कार्बेनोइल हैलाइड। अच्छा इसमें तो ये कहते हैं ना शॉर्ट, सॉरी प्रीफिक्स में हैलो कार्बोनिल बोलते हैं शायद, हैलो कार्बोनिल लिखाया होगा। जल्दी बताइए सही लिखा बोले यहाँ तो हैलो कार्बोनिल। हाँ अब ये वाला कब लगेगा बता सकते हैं सारे लोग? ये वाला कब लगेगा सफिक्स में, कितने केसेस में लगेगा नीचे वाला? सर साइक्लिक कंपाउंड और दो केसेस में जब एसिड हैलाइड डायरेक्टली साइक्लिक रिंग या बेंजीन रिंग से कनेक्टेड हो, या तीन या तीन से ज्यादा मेन चेन में कनेक्टेड हो। ओके स्टूडेंट? यस सर। हाँ ये तो बहुत सारे ऑर्गेनिक में आएगा अभी आगे, क्रिडल क्राफ्ट टेसाइलेशन हाइड्रोकार्बन सब में पढ़ेंगे, ये सब बहुत आएगा। अब देखो इसको अब फंक्शनल ग्रुप को पहचानना है। बहुत सारे लोग कहने लगेंगे 2-3-1 महीने का कीटोन है, कोई कहेगा हैलोजन है, ऐसे ऐसे वर्ड सब, कोई कहेगा इस्टर है,
अरे भाई COX एसिड है, इसलिए मैं पहले लिखा दिया था ना केबल, तो केबल ही नहीं पहचानेगा, खास बताएंगे आंसर। 1 2 दो कार्बन है, इथेन बोल दीजिए, OIL लगा दे, इथेनोइल क्लोराइड, क्लियर है? यस सर। यस सर, यही तो बेचारी है यस सर बोलने वाली, बाकी सब तो चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट गिलास में। ऑफलाइन में अगर ये लोग होते ना तो मैं तो फिल्म बना देता है स्टूडेंट की, बहुत फिल्म बनाता हूँ मैं ऑफलाइन में। 1 2 3 प्रोपेनोइल ब्रोमाइड, एक दो दिन ऑफलाइन क्लास लीजिए दिल्ली में आके, प्रोपेनोइल ब्रोमाइड लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर, देखिए बेचारी फिर, अरे अर्पित आ रहा है तुम्हें? यस सर आ रहा है। हाँ तो बोला करो, यस सर, नो सर, नो सर, कुछ भी तो बोलो, डाउट है सर दोबारा बता दीजिए, कुछ तो बोलो, घर में भी नहीं बोलते हो क्या? सांची। यस सर। आप तो कुछ बोलिए, आप तो बहुत बोलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो अच्छा बोल लेती हैं, आप बताइए, आ रहा समझ में? यस सर। थैंक यू। सूरत आ रहा आपको? हाँ, देखिए देखिए फिर से वही बात कह रहा हूँ मैं, कोई टफ नहीं है, आप टेबल पर प्रैक्टिस कीजिए और शुरू के 2-3 लेक्चर को बस देख लीजिए, बाकी देखिए वही सेम चीज रिपीट हो रही है। मैं समझ गया प्रॉब्लम को, जब फंक्शनल ग्रुप आप नहीं पढ़ेंगे, उसके प्रीफिक्स सफिक्स को याद नहीं करेंगे, तो आपको ये सब प्रॉब्लम आएगी। मैं तो पहली ही क्लास में कह दिया था कि शुरू के बस रूल को समझिए कि लॉन्गेस्ट चेन कैसे लेते हैं, नंबरिंग का क्या रूल है शुरू में, बस वही था। फंक्शनल ग्रुप में तो नंबरिंग का एकदम आसान रूल है, जहाँ फंक्शनल मेन है उसी से लोएस्ट नंबर दीजिए, जब फंक्शनल ग्रुप नहीं रहता है तो आपको वही है फर्स्ट लोकेन लोएस्ट सम रूल एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मल्टीपल बॉन्ड में ये सब चलता नहीं है, मल्टीपल में जहाँ मैक्सिमम डबल बॉन्ड होगा वही मेन चेन नहीं। आगे बढ़े सब, सब लोग बताइए। यस सर। यस सर, थैंक यू। चलिए ये नाम आप लोग बता दीजिए कि कम से कम मुझे खुशी होगी, इस बैच के स्टूडेंट डॉक्टर हैं, भले होम्योपैथ बने लेकिन डॉक्टर तो कहलाएंगे। लिखिए, हम तो 4 MBBS बने, नीट निकालें और एम्स आए दिल्ली, दिल्ली में सबका एडमिशन हो एम्स में। चले ओके अर्पित, थैंक यू। मैंने भी आंसर लिख लिया। हाँ आपका भी देख लिया, थैंक यू, थैंक यू। अर्पित अपने से आंसर दिया ना आपने? सर अपने दिया सर। अच्छा अच्छा, कोई मैसेज उसे तो नहीं ना किया व्हाट्सएप आपको? सर कौन करेगा। ओके थैंक यू। 1 2 3 4 ये सांची सूरत सब तो कुछ बोलती भी नहीं है। 3-bromo-butanoyl क्लोराइड, आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। सांची आप कुछ बोलें, सूरत आप कुछ बोलें, आयुषी शरीफ लोग हैं, से लोग शरीफेस्ट लोग सब हैं, बोलते कम हैं।
लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? बोलिए। यस सर। चलिए अब आप लोगों का माइंड मैं फ्रेश कराने के लिए टॉपिक डालिए नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स। अब इसमें भी कुछ नहीं है, बेंजीन डेरिवेटिव्स इसमें एक ही पॉइंट मेन याद रखना है बस, बेंजीन डेरिवेटिव। क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं सांची सूरज, जल्दी बताइए। नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव। हां बेंजीन, आप सुनिए, बेंजीन डेरिवेटिव में पहला पॉइंट ये है कि सब लोगों को पहले इसका स्पेशल नेम याद होना चाहिए। बस जब कोई भी वन ग्रुप डायरेक्टली, एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो बाद में लिखाया जाएगा, इफ एनी फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग, then its name is given by their special name। और IUPAC name ने special name को भी consider किया है। पहले लिखिए फिर हम आपको बताते हैं, पहले इसी पर, पहले point पर practice होगी। सुना सारे लोग? Yes sir। लिख लिया। यस सर लिख लिया। अब सुनिए, अब बस गौर से सुनिए, बेंजीन पर, इधर सुने सारे लोग, पढ़ चुके हैं दोबारा, बेंजीन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इन में जब लिखूं तो तुम समझना IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बता चुका हूं मैं। लेकिन इसके कॉमन नेम को भी IUPAC ने कंसीडर किया है, जिसको कहते हैं बेंजोइक। लेकिन अगर ऑप्शन में रहे बेंजीन कार्बोक्सिलिक तो उसी पर टिक मारना है। बेंजोइक सम कॉमन नेम को भी बेंजीन में मान लिया गया है, बेंजोइक एसिड। सुना सारे लोग, कोई डाउट? अरे बोलिए हाँ या ना। वेरी गुड। बेंजीन पर जब OH आ जाएगा इसका तो एक ही नाम है, समझा कि नहीं, उसको कहते हैं फेनॉल, समझा। इसलिए अभी तो सिर्फ स्पेशल नेम की प्रैक्टिस हो, उसके बाद यहाँ पर कोई ग्रुप लगा दिया तो ये समझ गया NH2 ग्रुप आ गया, उसको कहते हैं एनिलीन। लिख लें सारे लोग हाँ या ना? यस सर। CHO है, इसका भी वही है, अगर बोला जाए इन IUPAC नेम तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड, कॉमन नेम बेंजल्डिहाइड। CN, बेंजीन पर जब CN आ जाए तो इसका IUPAC नेम होता है बेंजीन, वही कार्बोनाइट्राइड। ये सब आपको आना चाहिए, देखिए बहुत आसान है ये, जिसने पढ़ लिया सारा नाम इसी पर आएगा ज्यादातर। और कॉमन नेम बेंजोनाइट्राइड, बेंजो इसलिए सारे लोग। हेलो एवरीवन, नीचे लिख रहे हैं। अच्छा लिख रहे हैं, लिखिए आराम से लिखिए। तो
यस सर। एक्सक्यूज मी सर, कल क्लास है? सर कल क्लास है? क्यों क्यों नहीं होगी? व्हाई नॉट सर? अब से वेंसडे को नहीं होगी और सैटरडे को होगी। कहाँ सर? वेंसडे को नहीं होगी और सैटरडे को होगी। वेंसडे को अभी नहीं होगी, अभी कुछ दिनों तक वेंसडे रुकी रहेगी। हमको लगेगा तो मैं कुछ दिनों का वेंसडे सैटरडे भी कर दूंगा। अभी सैटरडे है, मंडे से स्टेट्स ऑफ मैटर शुरू करूंगा। ठीक है, ओके ओके। हाँ अमाइड ग्रुप है, कॉमन यूपीएससी नेम तो डायरेक्ट बोलिए, जो अभी आपको सिखाया भी कार्बोक्सामाइड। यह है बेंजीनेमाइड। बेंजीनेमाइड से अच्छा वर्ड ये है बेंजीनेमाइड। अब देखिए ये इस ये ईथर ग्रुप है, आईयूपीएसी नेम है। पहले बताया था इस्टर में कि पहले इथाइल बोल दीजिए और बेंजीन कार्बोक्सिलेट, लेकिन इसके कॉमन नेम को भी आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट किया है, वो तो है इथाइल बेंजोएट। सर रिटर्न सब लोगों ने लिख लिया यहाँ तक? यस SO3H इसका एक ही नाम ही है, बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। बेंजीन पर एसिड हैलाइड ग्रुप है, आईयूपीएसी नेम है बेंजीन कार्बेनोइल। कॉमन नेम है बेंजोइल क्लोराइड।
ये सारे लोग? यस सर। यस सर। बेंजीन पर एक मिथाइल है, आईयूपीएसी नेम है मिथाइल बेंजीन, इसके कॉमन नेम को भी एक्सेप्ट किया गया है टॉलीन। OCSC देखिए ईथर ग्रुप है, आईयूपीएसी नेम है मिथॉक्सी बेंजीन। कॉमन नेम है एमिसो। सर रिटेन सर रिटेन। ये सब तो आसान नाम है, आप देखिए ये जो स्पेशल नेम आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद अब इसी पर दो ग्रुप सब देगा, जैसे लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? यस सर। ये जैसे हमने दो मिथाइल रख दिया, एक CH3 एक CH3, बताइए क्या नाम होगा? 1,2,1,2-dimethylbenzene, लिख सकते हैं कि ये? जल्दी बताएं हाँ या ना? यस सर। यस, बहुत ही सेम नाम है। अब देखिए एक बात और, जब बेंजीन की बात आई है तो एक चीज आपको पढ़नी होगी, शायद मैं केमिकल बॉन्ड में भी लास्ट टॉपिक बताया था, अगर आपके पास वाई है इस पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, इस पोजीशन को मेटा कहते हैं और इस पोजीशन को पैरा, मतलब ये भी मेटा है ये ऑर्थो, ऑर्थो की दो पोजीशन होती है और पैरा की, उसको आप इसका अब याद रखिए, ये बहुत ही स्पेशल नेम है, आपसे हो सकता है पूछ ले, समझ रहे हैं ना? अरे बोलिए ना। यस सर। तो वाई की जगह पे क्या क्या हो सकता है? जैसे वाई कोई ग्रुप है भाई, यहाँ देखिए ये फिनॉल है, अब इसके रेस्पेक्ट में और तो मेटा पैरा कोई भी ग्रुप है, किसी भी ग्रुप के रेस्पेक्ट में एडजेसेंट पोजीशन और तो मेटा पैरा, समझ गई? यस। वाई कोई ग्रुप है, ये तो आईयूपीएसी नेम हुआ, लेकिन इसका कॉमन नेम याद रखिए ओसाइलीन, हो सकता है आपको आई कह दे राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ ओसाइलीन, समझा कि नहीं? और यहाँ पर अगर एक में रुक जाइएगा, वो इसलिए दिया गया ऑर्थो की वजह से, अब यहाँ पर है इसका नाम आईयूपीएसी नेम 1,3, इसमें सिर्फ स्पेशल नेम पर पहले पीएचडी करना है, यह है पढ़ने का तरीका, डाइमिथाइल बेंजीन, लेकिन कॉमन नेम हो जाएगा आपका एमजाइली, क्या हो जाएगा? एमजाइली। कुछ तो बोलिए हाँ या ना? यस सर। यस, इसमें सिर्फ स्पेशल नेम पर पीएचडी करना है, ये सब इम्पोर्टेंट चीजें हैं, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, समझा कि नहीं? और इसका कॉमन नेम हो जाएगा पीसाइली, कुछ नहीं लिखेंगे कि कितने अगर दो बॉन्ड बन गए तो फिर कहाँ दो बॉन्ड बन गए? क्या दो बॉन्ड बन गए सर? जैसे पिछले वाले में जैसे दो बॉन्ड बने तो क्या डिफरेंट था उसमें कि मैं दिख रहा था कि दो बॉन्ड बने हैं? क्या समझा रही? नहीं समझ पा रहा हूँ, ये दो बॉन्ड क्या, कौन सा दो बॉन्ड?
सर अगर हमें दो बॉन्ड्स दिखाने होंगे तो उसमें कैसे लिखेंगे आईयूपीएसी नेम में? दो बॉन्ड की बात क्या कह रहे हैं? दो बॉन्ड क्या कह रहे हैं? दो फंक्शनल ग्रुप हो गया ना, दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे, ये बोल रहे हैं? नो सर, सर अगर इसमें एक से ज्यादा बॉन्ड्स बन रहे होंगे। बॉन्ड तो यही तो है ना, बॉन्ड क्यों बोलनी है, बॉन्ड तो बनेगा ही, सब बॉन्ड बना रहा है, एक से ज्यादा तो ही है, कहां की बात है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहां क्यों आएगा इसमें? डबल बॉन्ड आएगा यहाँ तो खुद डबल बॉन्ड है ये, वो तो आप आएगा ना एक रूल में जैसे आपको आएगा, अभी जो पढ़ाया जा रहा है वो समझिए ना। अब ये सीएस डबल बॉन्ड, ये बाहर डबल बॉन्ड आएगा तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, वो तो अभी बाद में आएगा, अभी तो स्पेशल नेम पढ़ेंगे। ये समझाना कि कहा जा रहा है वो समझ नहीं रही आगे की चीज पूछ रही है, पहले इसको समझें आप, इसमें कोई डाउट है आपको? नो सर। पहले तो ये लिख लीजिए। यस सर। Yes, sir. साचिस को दो बॉन्ड थोड़ी ना कहते हैं, डबल ट्रिपल बोलते हैं आप, तो ऐसा पूछती रहती हैं। मैं बोल हाँ तो फिर दो बॉन्ड क्या होता है, व्हाट डज मीन बाय द दो बॉन्ड? डबल ट्रिपल लैंग्वेज आप सुटेबल लैंग्वेज बोलिए। अब यहाँ सुने, इसका नाम क्या भी लिखा है, फेनॉल लिखवाए ना आपको, बोल यहाँ जाना, तो बोल ही नहीं रहा है। Yes, sir. वेरी गुड। अब सुनिए, यहाँ पर मैंने मिथाइल लिखा है, आपको मालूम मेन फंक्शनल ग्रुप ये तो 1, 2। अब आईयूपीएसी नेम देखिए क्या बोलेंगे, 2-methyl phenol। इसका स्पेशल नाम पर भी आपको कमांड करना है, जो कहते हैं ओकिरेसोल। आपको क्या है, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ ओकिरेसोल, तो फेनॉल के साथ मिथाइल होता है तो उसका स्पेशल नेम होता है किरेसोल, क्योंकि ऑर्थो पर मिथाइल है तो ओकिरेसोल यही यहाँ होगा तो एम कोरेसोल। इसमें कोई टफ नहीं है, स्पेशल नाम पर पहले पीएचडी करें, पहले आगे की चीज भी है लेकिन पहले स्पेशल नेम आप सबको आना चाहिए, टीचर जो कह रहा है उसको पहले देखें, 3-methyl phenol। तो इसमें पढ़ने में कोई टाइम थोड़ी ना लगेगा, ये सब कुछ प्रैक्टिस की चीजें हैं बस, एम किरेसोल ये सब इम्पोर्टेंट, ये सब आपके एनसीईआरटी में हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आ गए, क्योंकि नोमेनक्लेचर पढ़ रही है, बेंजीन नोमेनक्लेचर बेंजीन में दिया है ना, ये सब आ गया। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा OH, यहाँ मिथाइल,
इसको कहेंगे 4-methylphenol. इसको ना ये कुछ नेम कॉमन नेम होगा इकेरोसोल. समझ में आया? हेलो एवरीवन. यस सर. लिख लिया? बोलिए. कैसे लिख लिया? इसका नाम आप लिख के दिखाइए मुझे यहाँ पर. कॉमन नेम लिखना है या फिर आई भी नहीं, कोई स्पेशल नेम इसका तो आई भी नहीं आएगा. आप जो बताना चाहती हो बताएं. दो नाम आ गया इसका. 4-nitrophenol आया सबका? हाँ या ना, जल्दी बताएं. Yes, sir. यस सर, आ गया. इसका नाम बताएं, आराम से बताएं. एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होता है. Explosive.
से लिख लिया. क्या नाम है बताइए. तो ये बोल दीजिए 246 ट्राइनाइट्रो टॉलिन. मिथाइल बेंजीन नहीं होता. मिथाइल बेंजीन भी लिख सकते हैं. इतने सारे लोग yes, sir. रोशनी सेना इतना अकल नहीं है. यह प्रीफिक्स हो गया. कितना पढ़ चुकी है. 3-hydroxy बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड. अब ये प्रीफिक्स है भाई. जब जब अकेला रहेगा तब फिनॉल कहलाएगा. अरे बोलें. यस सर. फिनॉल कार्बोक्सिलिक क्या क्या बोल दे. किस तरह का बैच है भाई. कार्बोक्सिलिक एसिड या आप इसको ये बोल सकते हैं 3-hydro. भाई फेनॉल OH तभी रहेगा तभी फेनॉल होगा. अब उसके प्रायोरिटी ग्रुप पर आ गया अब ये फेनॉल नहीं. अब हाइड्रोक्सी लगेगा या आप ये बोल सकते हैं 3-hydroxy बेंजोइक एसिड. आया समझ में. आया ना. बोलिए. यस सर.
रिटर्न इसका नाम बताइए। क्या नाम है इसका बताइए। अब मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है अब इसमें? NH2 आता पहले, QH आता पहले, पैरिटी टेबल में कौन पहले आता है? सर OH आता है पहले। तो बस 1, 2, 3 अमीनो फेनॉल। सुना, जब ये सफिक्स की तरह काम करेगा तभी तो फेनॉल कहलाएगा। बोलिए हाँ या ना।